जब बरस रही थी गोलियां, आसमान में गूंज रही थी चीखें, तब गोलियों के आगे कूद पड़े वो चेहरे। कुछ मारे गए, कुछ बच गए, लेकिन दुनिया में नाम कर गए। बुलेटिन में देखिए हत्यारे से कैसे टकराया भाईचारा। हम आपको ले चलेंगे वहां भी जो है आतंकी ट्रेनिंग एकेडमी, जहां बनते हैं बम, इंसान और लहू कुर्बान करने वाले घातक। कैसे जिहाद के नाम पर फटके हिंदुस्तानियों की कब्रगाह बनता जा रहा है ये इलाका। कैसे अरबी आतंकवादियों को बचाने के लिए झोंके जा रहे हैं हिंदुस्तानी और एशियाई नौजवान। कैसे मानव बम नहीं बनने वालों को धोखे से बना दिया जाता है जीता जागता बम। कैसे डराया जाता है उन्हें जिन्न के नाम पर, ताकि वो न पलटें, न घर लौटें। देखिए आईएसआईएस का सबसे बड़ा छल, जिहाद का जिन्न। तो पूरी दुनिया के लिए बन चुका बड़ा खतरा क्या भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है? खुफिया विभाग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने, जो साफ बताती है कि जिहाद का ये जिन भारत में कदम रख चुका है। 24 से ज्यादा हिंदुस्तानी आईसिस के लिए जंग लड़ने भारत छोड़कर सीरिया और इराक जा चुके हैं, और तो और 6 हिंदुस्तानी अब तक मारे भी जा चुके हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तानियों के लिए इस आतंकवादी संगठन में कोई स्नेह नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी और दक्षिण एशिया के दूसरे लोगों को वो हेय दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ छल कपट और धोखा करते हैं, और तो और जिन से डराते हैं। देखिए आईबीएन 7 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वहशियाना जुनून को जिहाद का नाम देने वाले सबसे खूंखार आतंकवादी गुट आईएसआईएस ने भारत में भी सेंध लगा दी है। उसके दुष्प्रचार और ब्रेन वॉश के तरीकों ने अब तक चौतानियों को गद्दार बना दिया है। ये वो नौजवान हैं जो भटक कर आईएसआईएस के लिए लड़ने जा चुके हैं, जहां फ्रांस आईएसआईएस के खूनी हमले से अब तक संभल नहीं पाया है, जहां अमेरिका आईएसआईएस के नए हमले रोकने की चिंता में घुल रहा है, जहां ब्रसेल्स आईएसआईएस के हमले की आशंका से तीसरे दिन भी कर्फ्यू में जी रहा है, और हिंदुस्तान में भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। खुफिया विभाग ने उसी आईएसआईएस के बारे में एक चौंकाने वाली, या कहिए डराने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट साफ कहती है पिछले 2 सालों में 24 से ज्यादा भारतीय आईएसआईएस से जुड़ चुके हैं। आईसीएस से जुड़े 6 भारतीय अब तक मारे भी जा चुके हैं। आईसिस के लिए लड़ रहे हिंदुस्तानी इराक और सीरिया में मारे गए। आईबीएन 7 के पास खुफिया विभाग की रिपोर्ट की पक्की जानकारी है। आईबीएन 7 के पास उन हिंदुस्तानियों के नाम भी हैं जिन्होंने जिहाद के नाम पर आईसिस के लिए जान दी। आतिफ वसीम मोहम्मद, उम्र 25 साल, आदिलाबाद तेलंगाना। मौलाना अब्दुल कादिर सुल्तान आरमर, उम्र 29 साल, भटकल कर्नाटक। सहीम फारूक टंकी, उम्र 26 साल, कल्याण ठाणे। मोहम्मद साजिद, उम्र 30 साल, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। फैज मसूद, बेंगलुरु कर्नाटक। मोहम्मद उमर सुब्बान, बेंगलुरु कर्नाटक। ये सारे हिंदुस्तानी मारे जा चुके हैं, इनके घर वालों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान से आईसिस के लिए मरने के लिए ये हिंदुस्तानी क्यों जा रहे हैं, इनसे क्या वादे किए जा रहे हैं, और क्या कुछ वादे ऐसे हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरीके से आईसिस के चंगुल में आ जाते हैं हिंदुस्तान के ये युवा? सवाल ये, आखिर हम हिंदुस्तानी नौजवानों को इस खूंखार आतंकवादी तंजीम में जाने से कैसे रोकें? हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं उस दर्दनाक मौत और पागलपन की अंधी दौड़ से जिसमें आईएसआईएस उन्हें झोंक रहा है? खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि हिंदुस्तानी ही नहीं
दक्षिण एशिया के तमाम देशों से जाने वाले नौजवान कैसे आईएसआईएस में थर्ड ग्रेड नागरिक की तरह रहते हैं। अरब से आए लड़ाकों को हर किस्म की सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि दक्षिण एशिया से गए नौजवानों को सिर्फ दिन रात खटाया जाता है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अरब लड़ाकों को आईएसआईएस में अधिकारी रैंक दिया जाता है। अरब लड़ाकों को ही अत्याधुनिक हथियार भी मिलते हैं, वहीं दक्षिण एशियाई लड़ाकों को छोटी बैरक में रखा जाता है। भारतीय नौजवानों की तनख्वाह बेहद कम होती है। इतना ही नहीं, चीन, भारत और पाकिस्तानी लड़कों की निगरानी तक की जाती है। उन पर आईएसआईएस की कमांड भरोसा नहीं करती। चीन, भारत और पाकिस्तानी लड़कों की बाकायदा निगरानी आईएसआईएस की पुलिस करती है। ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, इराक और सीरियाई अरब लड़ाकों को ही आईएसआईएस की पुलिस में जगह मिलती है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट से अरब और दक्षिण एशियाई मुल्कों के लड़ाकों के बीच मौजूद खाई को साफ दिखाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किस तरह अपने लड़ाकों को पलटने, घर लौटने से रोकने के लिए जिन्न का डर दिखाया जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जिन्न का डर। दक्षिण एशियाई लड़ाकों को आईएसआईएस जिन्न का डर दिखाता है। कहता है कि अगर जंग में पीठ दिखाई या बीच में छोड़कर घर लौटे तो खैर नहीं, अगर कोई जिहादी अपने घर वापस लौटा तो उसे जिन्न लगातार डराता रहेगा, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जहां मजहब पर मंडराते खतरे का फरेब काम नहीं करता है, वहां पर अपनाया जाता है अंधविश्वास और शैतान का हथियार। ये ऐसा हथियार है जिससे इन युवाओं के दिमाग पर सीधे हमला किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ये जिन आग का बना हुआ है और आग के जिन का डर दिखाकर इन युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इतने कमजोर जहन के, कमजोर दिमाग के युवा होते हैं जो इन बातों में आ जाते हैं। आईएसआईएस इसी तरह से बड़ी तादाद में युवाओं को बरगला रहा है, अपने काबू में ले रहा है। इतना ही नहीं, ये आतंकी संगठन दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों से आए लोगों के पासपोर्ट जला देता है ताकि वो वापस कभी न लौट पाएं। यानी एक बार अगर आईएसआईएस के जाल में फंसे तो सिर्फ मौत ही आजादी दिला सकती है। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआईएस के गेम प्लान का खुलासा करते हुए रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय युवकों को मानव बम के तौर पर यह आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करता है, लेकिन ईमानदारी से नहीं बल्कि छल, कपट और धोखे से। भारत और दक्षिण एशिया के लड़ाकों को विस्फोटकों से लदी गाड़ियां और एक खास फोन नंबर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जैसे ही वो टारगेट के करीब पहुंचे, फौरन इस नंबर पर फोन मिलाएं ताकि उनकी मुलाकात वहां पहले से मौजूद उस इंसान से करवाई जा सके। लेकिन दरअसल ये आईएसआईएस का अपने लड़ाकों के साथ धोखा होता है, क्योंकि जैसे ही वो लड़ाके उस दिए गए नंबर पर फोन घुमाते हैं, उन्हीं की गाड़ी धमाके के साथ उड़ जाती है। दरअसल वो धोखे से मानव बम बना दिए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी मूल के लड़ाकों को दरअसल अरब के जिहादियों के कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें ऐसे रखा जाता है ताकि कोई भी हमला हो तो नुकसान अरब के जिहादियों का ना हो। इतना ही नहीं, युवाओं को फंसाने के लिए कई तरह के झांसे भी हैं। उन्हें जिहादी दुल्हन मिलने का लालच दिया जाता है, जबकि हकीकत में ये दुल्हनें ज्यादातर अरब लड़ाकों को दी जाती हैं ताकि नई पीढ़ी के आईएसआईएस लड़ाके ज्यादा बेहतर नस्ल के हो सकें। ईटीवी के शंकर आनंद के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, आईबीएन 7।